नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सोनी छिंदवाड़ा से। आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा के प्याज के सबसे बड़े व्यापारी अशोक साहू जी से, जानेंगे प्याज के क्या दाम चल रहे हैं और आने वाले समय में प्याज के क्या दाम रहेंगे। जी सर, आप बताइए कि अभी क्या दाम चल रहे हैं प्याज के? प्याज का बाज़ार आज तो स्थिर रहा है। यहाँ पे 15 से 16 रुपए किलो प्याज बिकी है, मगर जो नासिक की मंडियाँ हैं वहाँ से जानकारी मिल रही है कि एक्सपोर्ट वहाँ कहीं चालू हो गया है, तो आज जो सुर्खियों में है प्याज, तो यहाँ से 4-5 रुपए किलो की तेज़ी वहाँ से देखी जा रही है। वो तेज़ी धीरे धीरे 2-3-4 दिन में यहाँ भी आने की संभावना है। अभी स्टॉक कितना है प्याज का? प्याज का स्टॉक तो अभी न्यूनतम, अभी स्टॉक की शुरुआत हो रही है प्याज की। अभी जो स्टॉक वाली प्याज है वो अभी मार्केट में आना नहीं है, अभी आने की और 10-15 दिन बाद जो प्याज आएगी वो ही स्टॉक पे जाएगी। अभी तो मार्केट की खपत के हिसाब से प्याज आ रही है। सूखी प्याज नहीं आ रही है? सूखी प्याज आ रही है, मगर कम मात्रा में आ रही है, स्टॉक करने लायक नहीं है। जो बाद में बारिश हुई थी उसकी वजह से अभी प्याज ख़राब आ रही है। अब इसके बाद की जो फसल आएगी 10-15 दिन बाद, वो प्याज हम रख सकते हैं 4 महीने के लिए। तो अभी किसानों के पास कितना माल होगा? माल तो है किसानों के खेत में है, अभी और निकलना निकलेगा, निकल रहा है, निकलना चालू है। किसान प्याज तैयार कर रहा है खेतों में, कुछ प्याज जो ज़रूरत के हिसाब से मंडी दिखा रहा है, कुछ अपने घरों में रख रहा है। बाकी आने वाले ये अभी से समय जो चालू हो रहा है 10 से 15 दिन में प्याज है स्टॉक वाली, लोगों के घरों में स्टॉक होगी। तो आने वाले समय में क्या रहेगा प्याज का भाव? निर्यात का मामला जो है, यदि ये उछलता है मामला है निर्यात का, तो निश्चित 5 से 10 रुपये किलो की तेज़ी नॉर्मल बनेगी प्याज में। प्याज महंगा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। तो ये कहें कि आने वाले समय किसानों को जिनके पास खेत में अभी, हाँ उनको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, इसका भरपूर फायदा मिलेगा। हमारे छिंदवाड़ा का जो किसान है, सही मायने में उनकी प्याज की निकासी अब चालू हो रही है। हार्वेस्टिंग अब प्याज की यहाँ पे चालू हो रही है। किसी की अभी होगी कि अभी से लेकर 15 दिन तक ये हार्वेस्टिंग 20 दिन तक चलेगी। तो किसान कुछ मंडी में बेचेगा, कुछ स्टॉक करेगा अपने घरों पे, कुछ हम लोग जाके उनके खेतों से खरीदेंगे, फिर हमारे गोडाउन पर स्टॉक करेंगे। इस टाइप से अब ये मामला चालू हो रहा है। इसमें सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं? सरकार का अभी इसमें कोई हस्तक्षेप ना कोई रोल कहीं किसान से कुछ नहीं है। ये तो किसान और व्यापारी के बीच का सामंजस्य व्यापार है जो चल रहा है मंडियों में, इसकी पूर्ति हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं मुकेश सोनी मार्केट टाइम टीवी से। आने वाले समय में किसानों को अच्छा दाम मिलने की उम्मीद है प्याज पर।